A tire topic gas, ideal gas, is heated at constant volume until the pressure is doubled, and again heated at the constant pressure, unit volume is doubled. The average molar heat capacity for the whole process. तो सबसे पहले हम इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं सिचुएशन डिफरेंट। मैंने कहा पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। पॉइंट ए पर प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो ए भी आपका एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ए से बी गए और बी पर आपका जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर 2p नॉट हो गया। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो बी पॉइंट पर जो है हम इन वेरिएबल्स को देखेंगे तो प्रेशर तो आपका 2p नॉट हो गया, वॉल्यूम v नॉट ही रहा, साथ में टेम्परेचर 2t नॉट हो गया। अब जो हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है तो इस स्टेट में इसका जो प्रेशर है वो आपका क्या किया है इसमें, सॉरी दिस इज नॉट द कांस्टेंट बी टू सी बच्चों, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहा पर वॉल्यूम डबल हो गया। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो गया। अब ए टू बी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, साथ ही साथ जिसे हम आइसोकोरिक भी बोलते हैं। एंड बी टू सी आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है? ये दो बातें हैं। अब अगर हम ए टू बी की बात करें तो ए टू बी जो है आपका जो हीट गई है तो वो हो जाएगी एन सी वी डेल्टा टी। सी वी जो होता है एफ बाई टू आर होता है, सी पी जो होता है 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर होता है। क्योंकि ये एक डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए आपके 5, तो ये 5 बाई टू आर और ये हो गया आपका 7 बाई टू आर। एंड सी वी इज 5 बाई टू आर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज टी नॉट डेल्टा क्यू फॉर ए बी। बी से सी प्रोसेस की बात करें, डेल्टा क्यू बी सी एक आइसो बारिक प्रोसेस है। एन सी पी डेल्टा टी यूज करेंगे। एन सी पी इज 7 बाई टू आर डेल्टा टी। टेम्परेचर देखिए 4T0 से 2T0, तो 2T0 हो गया। इट विल बी 7 R n R T0। टोटल ए से सी प्रोसेस की बात करें जो हीट गई है वो हो जाएगी आपकी n R T0 5 बाई टू प्लस 7 n R T0 19 बाई 2, दैट इज डेल्टा क्यू। एवरेज निकालना है तो हम मान लेते हैं एन सी डेल्टा टी। ए से सी में जो टेम्परेचर का चेंज है वो आपका है 3T0 का, क्योंकि यहाँ पर 4T0 है और यहाँ पे टी नॉट है, तो ए से सी में 3T0 का टेम्परेचर है इज इक्वल टू n R T0 19 बाई 2। तो यहाँ से देखिए n कैंसिल हो गया, टी नॉट कैंसिल हो गया, तो सी आपकी आ गई 19 बाई 6 R। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है।